सेल सेल सेल, आज मैं लगा के बैठी हूँ, क्रॉकरी की सेल कर रही हूँ। जिसने जो लेना हो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, 10 रुपीज, सिर्फ 10 रुपीज, सिर्फ 10 रुपीज, सिर्फ 10 रुपीज में आपको क्रॉकरी मिल रही है बहुत अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। आप मुझे जरूर बताना मेरी ब्लॉगिंग आपको कैसी अच्छी लगती है, कैसी है मुझे एक बार जरूर बताना। अब तक आप मुझे देखते हैं कि मैं हमेशा क्या है कि मैं शूट करती हूँ तो रेसिपी शूट करती हूँ, तो कुछ मुझे ऐसा भी लगा कि मुझे कई बार ब्लॉग भी शूट करना चाहिए। और आप लोगों को ये था कि मुझे बताइए कि आपकी जो क्रॉकरी है, मतलब आप लोग देखते हैं जब भी कि यार आप क्रॉकरी कहाँ से लेते हो, कैसे है, वो सब मैं आपको आज बताऊंगी। और एक मैं आपको सॉरी चाहूंगी कि मैं काफी टाइम से यूट्यूब पर पूरा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं रेगुलर हो पा रही हूँ, तो आप मुझे अगर मैं जब आपको बताऊंगी कि मैं इस वजह से नहीं रेगुलर हो पाई, तो आप मुझे जरूर माफ कर देंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपनी क्रॉकरी। ये मेरी एक दिन की कलेक्शन नहीं है, काफी टाइम से मैं अपनी क्रॉकरी की कलेक्शन इकट्ठी कर रही थी। आप लोगों का कई बार रहता है कि आप पत्नी कितनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी लेते हो, नहीं गाइस, मैं बिल्कुल भी एक्सपेंसिव क्रॉकरी नहीं लेती। आज मैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस की आपको क्रॉकरी दिखाऊंगी, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में कहाँ मिलती है सब कुछ आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं आज भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो सब दिखाऊंगी। सबसे पहले मेरे क्यूट से छोटे से, ये देखिए छोटे से क्यूट से, बहुत छोटे से क्यूट से कप है, देख के बहुत क्यूट से लग रहे हैं मुझे, बहुत ही पसंद आए मुझे। इतने क्यूट से पिंक कलर के कप है, बहुत रिजनेबल लग रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे से कप हैं, बहुत सुंदर, मतलब जैसे खिलौने होते हैं ना उस टाइप के हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे ये। मुझे मतलब कलर भी बहुत पसंद आया, काफी सारे कलर थे इसमें, लेकिन मुझे इसमें व्हाइट भी था, इसमें मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने लिए छोटे छोटे से। कभी बहुत कम चाय पीने का मन करे, या मैं वैसे आपको पता ही है कि मैं रेसिपी शूट करती हूँ, तो मुझे कुछ मतलब लिक्विड ही कुछ चाहिए होता है, जैसे कई बार मुझे मिल्क चाहिए 2 टेबलस्पून, ऑयल चाहिए, कुछ इस तरीके की मैं चीज जो मुझे होती है वो डाल सकती हूँ। तो बहुत क्यूट से है, और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस मिले हैं मुझे, 10 रुपीज ईच, सिर्फ गाइस 10 रुपीज ईच। पे ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है, 10 रुपीज ईच। तो मैंने ये भी लिए हैं 5, इस तरीके से मैंने इसके 5 पीस लिए हैं। सेकेंडली लिए हैं मैंने इस तरीके के बाउल, छोटे छोटे, जिसमें चटनी वगैरह कुछ भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे ये भी। और ये देखिए इस तरीके से, ये भी मैंने इस तरीके से 4 पीस मैंने ये भी लिए हैं, ये भी 10 रुपीज ईच, बहुत रिजनेबल है। और ये मार्केट है हमारी गुड़गावा में, सेक्टर 54 के पास में, बंजारा मार्केट, बहुत अच्छी मार्केट है, मतलब रोड पे लगती है मार्केट। थोड़ा सा उसमें आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रोड पे लगती है तो डस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो जब भी आप कोई चीज ले वहां पे तो एक बार अच्छे से चेक करके लीजिएगा कि कोई चीज ब्रेक ना हो, वहां पे बहुत ज्यादा इस तरीके का होता है। और प्राइस को आपको बताएंगे, जितना जितना आपको लगता है उस हिसाब से आप उनको कम करवा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक चटनी सर्विंग के लिए इसी के से बाउल लिया है, ये भी 10 रुपीज ईच, बहुत रिजनेबल प्राइस पे पड़ा है, ये भी मैंने 10 रुपीज लिए। कुछ मैंने इस तरीके से छोटे छोटे बाउल लिए इस तरीके से, ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे थे ये भी। ये मैंने 4 लिए, 2 मैंने ब्लू कलर में, 2 मैंने इस तरीके से ग्लास जैसा लग रहा था, मिरर ग्लास नहीं था उस टाइप में, गोल्डन से बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए ये सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। ये भी मुझे पड़े हैं 20 रुपीज ईच, मैंने इस तरीके के 4 लिए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे थे, काफी सारे कलर थे इसमें, रेड कलर भी था, काफी सारे कलर थे। तो आप इसमें एक बार इस मार्केट में जरूर जाइएगा, स्ट्रीट मार्केट है, बहुत अच्छा इस टाइम पे तो इसके बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, तो आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस पे। आपको प्राइस का जो भी आपने करवाना है वो अपने हिसाब से करवाइएगा, मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाती है। अब मैं इस तरीके की लाई हूँ, देखिये कॉफी मग बहुत सुंदर लग रहे थे, ये देखिए ब्लैक कलर में लाई हूँ मैं कॉफी मग, इस तरीके की मैं 2 पीस लाई हूँ, कॉफी टी वगैरह पीने के लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे पड़ा है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, 30 रुपीज ईच, कहीं सच में 30 रुपीज ईच में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, सेरेमनिक के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं इस तरीके ये 2 लाई हूँ सेट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्लैक कलर में है ये भी। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके के बाउल, ये देखिए ये मैं सेरेमिक की बाउल है, कुछ भी आप इसमें सर्विंग कर सकते हैं, कुछ भी आप सूप वगैरह भी किसी को दे सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी के मैं 4 लेकर आई हूँ, और ये लेकर आई हूँ मैं 100 रुपीज के 4, मतलब 25 रुपीज ईच। ये देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, 25 रुपीज ईच, बहुत अच्छे प्राइस पे मुझे मिला है ये, इतना अच्छा सा लग रहा है। देखिए
मैंने एक दिन में नहीं, मैंने चीन से 4 बार मैंने गई हूँ, तब मुझे जाके ये सारी मैं कलेक्शन अपनी इकट्ठी कर पाई हूँ। इस तरीके से मैं इसके 4 पीस लेकर आई हूँ। कोई भी मतलब हमने कोई भी इसमें सर्व करना है कुछ भी, इस तरीके से हम इसमें सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। नेक्स्ट मैं लाई हूँ इस तरीके के बाउल, छोटी चटनी बाउल कह लीजिए आप, छोटी है प्लेटर सी छोटी, बहुत सुंदर लग रही थी, ब्लैक कलर की है, बहुत अच्छी लग रही थी और ये मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस से पड़ी, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज। 10 रुपीज में गाइस देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे ये, तो मैंने 2 ये ली है ब्लैक कलर की 10 रुपीज की। नेक्स्ट मैंने कुछ इस तरीके से लिए हैं छोटे छोटे बाउल, चटनी बाउल्स वगैरह, क्योंकि मुझे चाहिए होते हैं छोटे छोटे, और कई बार क्या होता है कि मैं जब रेसिपीज बनाती हूँ तो मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी निकाल के रखने होते हैं, तो मुझे इस तरीके के छोटे छोटे बाउल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो ये इस तरीके के मैं लेकर आई हूँ। ये भी 10 रुपीज ईच है, ये भी मैं इस तरीके से 6 लेकर आई हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, और इस टाइम पे तो कलेक्शन वैसे ही बहुत अच्छी आई हुई है क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला है, तो बहुत अच्छे से मैंने तो अपने घर पे दिवाली की जो शॉपिंग है वो स्टार्ट कर दी है, तो आप भी झट से जाइए वहां पे, बहुत अच्छा, अगर आप नहीं दिल्ली में रहते हैं तो एक बार वहां पे जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छी मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट है, लेकिन मैं बस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वहां पे टूटना फूटने का सब कुछ इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार क्रैक होती है चीज, सब कुछ आपको एक बार देख के करनी पड़ेगी। प्राइस को आपने जितना भी आप चाहते हैं, आपको लगता है कि इसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ज्यादा बार्गेनिंग ना कीजिएगा, बस जितना आपको लगता है कि उन्हें भी नुकसान ना हो और आपको भी लगे कि मेरा जाने पे अच्छा रहा कि मुझे कुछ मैंने अच्छा सा परचेज कर लिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं इस तरीके की मैं लेकर आई हूँ सेरेमनी की कढ़ाई, काफी अच्छी क्वांटिटी में है, काफी बड़ी इसमें मतलब मेरी मैं कुछ भी डिश बनाऊंगी तो काफी अच्छी क्वालिटी है, कुछ भी इसमें सर्व कर सकती हूँ, कोई गेस्ट मेरे घर आ जाता है मैं इसमें शाही पनीर राजमा कुछ भी इस तरीके से सर्व कर सकती हूँ, बहुत सुंदर सी लग रही थी और ये ओनली एंड ओनली मुझे 150 रुपीज की पड़ी है, बहुत सुंदर कढ़ाई थी। ये 3 का सेट था लेकिन मुझे सिर्फ एक सिंगल में भी चाहिए थी तो मैंने एक ही लिया बड़ा साइज में, इसे एक मतलब 2 और थी इसे छोटा उससे छोटा, लेकिन मैंने इस तरीके से एक बड़ा लिया है 150 रुपीज का। नेक्स्ट में जो लाई हूं वो लाई हूं इस तरीके का एक ब्लू कलर का कप, ये सिंगल लाई हूँ, ये मुझे वैसे इसमें और भी चाहिए था लेकिन मिला नहीं, ये डिजाइन बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया मुझे, ये मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये। कई बार क्या होता है बच्चे कई बार कॉफी पीने का मन करता है बच्चों के लिए, वो भी अच्छा है, कई बार बच्चे घर पे खुद भी केक जैसे बना लेते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम मग केक बना ले, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी है। ये हमारा सेरेमनी का है तो ये माइक्रोवेव वगैरह में चल जाता है, ओवन माइक्रोवेव है। ये मैं लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज का, बहुत सुंदर सा कप लग रहा था, बहुत यम्मी मुझे अच्छा सा कप लगा, मतलब कि मैं इसमें कुछ भी अच्छा सा कॉफी इंजॉय कर सकती हूँ, मैं टी इंजॉय कर सकती हूँ। नेक्स्ट की बात करूंगी तो मैं नेक्स्ट लेकर आई हूँ इस तरीके के बाउल, सर्विंग बाउल है, बहुत अच्छे लग रहे थे इस तरीके से व्हाइट कलर के बाउल, मैं व्हाइट चीजें इसलिए ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे शूटिंग के टाइम पे व्हाइट ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैंने व्हाइट कलर ही ज्यादातर मैं लेकर आती हूँ क्रॉकरी जो भी लाती हूँ व्हाइट कलर में, तो इस तरीके से मैं लेकर आई हूँ। ये इस तरीके से है 150 रुपीज की, मैं 6 लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे प्राइस से मुझे मिल गए, बाउल है बहुत अच्छे से, कभी भी आप इसमें कोई भी स्टार्टर या कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं सर्व, बहुत अच्छा सा लग रहा था, स्वीट्स वगैरह कुछ भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं, तो इस तरीके की मैं 6 पीस लेकर आई हूँ। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ इस तरीके के छोटे छोटे बाउल, जो मैं इस तरीके से ब्लू कलर ब्लैक कलर और महरून कलर इस तरीके के मैं 6 मतलब इस तरीके के मैं 6 लेकर आई हूँ, 3 कलर मतलब 3 कलर है ये, हर पीस का दो एक एक मतलब दो दो कलर हो गया, बहुत अच्छे प्राइस पे पड़ा है, ये भी मुझे 150 रुपीज के 6 पड़े हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, काफी हैवी भी है, बहुत अच्छा है। आप अगर चाहते हैं कि रिजनेबल प्राइस पे आपके अच्छे से क्रोकरी आ जाए तो आप एक बार जरूर वहां विजिट कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊंगी तो आपको वहां के मैं करवाऊंगी कि मैंने किस तरीके से कहां पर है सब कुछ है, मैं भी तो मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको पूरी मार्केट का पूरा आपको टूर दिखाऊंगी कहां पर कैसे क्या क्या मिलता है वहां पर। गाइस बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे फर्नीचर्स भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मैं आपको बार बार अगेन कहूंगी आपकी जो आपने बार्गेनिंग है वो भी आपने खुद देख के करनी है कि आपको किस प्राइस पे मिल जाना चाहिए और किस कैसा है, क्वालिटी आपको चेक करनी है, सब कुछ डैमेज वगैरह सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगेन मैं इस तरीके से लेकर आई हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए होल हुआ हुआ है, हम कोई चटनी या सॉस कुछ भी इस तरीके से मुझे क्योंकि मैंने को वीडियो बनानी होती है तो कुछ मुझे इस तरीके से प्लेटर को हमें थोड़ा सा डेकोरेट भी करना, तो उस तरीके से मुझे इस तरीके ड्रॉप करके अगर मुझे कोई चटनी को बनाना है कोई डिजाइन बनाना है तो इस तरीके से मैं ये 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि कई बार होता है टोमेटो सॉस के साथ भी डिजाइन करना है कुछ अपनी प्लेटर को रेडी करना है, कुछ मुझे होता है चटनी के साथ में मतलब धनिया पुदीने की चटनी के साथ में उसके साथ में कुछ भी या कोई और सॉस के साथ में मुझे कई बार अपनी प्लेटिंग को डेकोरेट करना होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज ईच पड़े हैं, तो ये 20 रुपीज के एक ये लेकर आई हूं मैं।
अगेन मैं लेकर आई हूँ इस तरीके का ही पॉट है, बहुत अच्छा सा, इसको आप फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं। तो ये मैं अपनी किचन के लेकर आई हूँ, जितने भी मुझे स्पैचुलर वगैरह होते हैं मुझे वो रखने होते हैं, मैं इधर उधर रख देती थी, बाद में उसको ढूंढना होता था, मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। तो इस तरीके से मैं ये लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा सा लग रहा है। आप इसको पॉट बनाइए या कुछ भी आप और किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज करूंगी अपने स्पैचुलर वगैरह किचन के लिए, बहुत अच्छा सा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 60 रुपीज का पड़ा है गाइस, सिर्फ ओनली एंड ओनली 60 रुपीज। बताया तो उन्होंने शायद मुझे 150 था, तो मैंने उनको 60 रुपीज का ये लिया उनसे। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ इस तरीके के बाउल, काफी हैवी है, इस तरीके से एक हैंडल भी लगा हुआ है। आप कोई भी अगर माइक्रोवेव में कोई भी आप सब्जी या कुछ भी गर्म करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, या किसी का आगे सर्व करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से इसके मैं दो लेकर आई हूँ, एक अभी मैं यूज भी कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से हैंडल वाला है तो इजिली निकालना रखना इजिली हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 50 रुपीज ईच पड़ा है, मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे मुझे ये पड़ गया है 50 रुपीज ईच पे। यार बहुत अच्छा सा है यार, कि देखिए कितना हैंडल भी है, बहुत सुंदर सा लग रहा है। एक मैं रेड कलर में लाई हूँ, एक येलो कलर में, ओनली एंड ओनली 50 रुपीज, 100 रुपीज के दो लेकर आई हूँ। मतलब मैं नेक्स्ट में लेकर आई हूँ इस तरीके से, ये देखिए ये छोटी सी ट्रे है, स्पून है एक सेरेमिक का, और दो इस तरीके से ये बाउल से है। बहुत अच्छा सा सेट है, किसी के आगे अगर आपने कोई भी आप स्टार्टर रखते हैं तो उसके में चटनी, अगर आप समोसे या किसी को सर्व करते हैं कुछ भी इस तरीके से, उसमें आप चटनी हरी और लाल दोनों चटनी आप इसमें सर्व कर सकते हैं। साथ में स्पून दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा लग रहा था। और ये ओनली एंड ओनली मुझे 100 रुपीज में पड़ा है, बहुत अच्छा सा पीस लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा रिजनेबल सा भी लगा। और मैंने ये भी था कि मेरा सारी ऑलमोस्ट क्रॉकरी मेरी व्हाइट है, तो मुझे इस तरीके से व्हाइट मिल गया, तो मुझे भी लगा कि बहुत अच्छा प्राइस है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, तो एक मैंने ये लिया है। सेकेंडली मेरा सबसे फेवरेट नेक्स्ट आता है मेरा मग, बहुत फेवरेट है मेरा, इतना पसंद आया मुझे, एक बारी में देखते ही पसंद आया, काफी अच्छा है। अब विंटर आ रही है, विंटर के टाइम पे आपको क्या होता है, कॉफी या फिर चाय काफी अच्छी क्वांटिटी में पीते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, या मिल्क वगैरह भी पीते हैं तो काफी सुंदर सा, मतलब बहुत यूनिक सा लग रहा था मुझे, काफी अच्छा सा लग रहा था। तो ये मुझे बताया था उन्होंने 120 का, ये भी मुझे 60 रुपीज में दिया उन्होंने, बहुत अच्छा सा लगा मुझे, सबसे अच्छा मुझे अभी तक मुझे कहूंगे ना मग में मुझे सबसे ज्यादा मग पसंद आया था। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से, ये देखिए गाइस, ये हैंडी देखिए कितना प्यारा लग रहा है हैंडल, ये देखिए बाउल, इसमें आप कोई भी वेजीज कुछ भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं, कोई ड्राई आप या फिर आप मतलब कुछ भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है उसके आगे आप सर्व कर सकते हैं, फ्राइड राइस इसमें सर्व कर सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था ये, बहुत सुंदर सा मुझे मिला है, और ये ओनली एंड ओनली मुझे 100 रुपीज में मिला है। देखिए बिलीव नहीं हो रहा ना, बिल्कुल 100 रुपीज में, बहुत अच्छा सा लगा मुझे ये, हैंडी सा भी है, काफी अच्छा सा है। अगर आपने माइक्रोवेव में गर्म करना चाहते हैं, इसी के साथ हैंडल भी है आपके पास, निकालने के लिए पकड़ने के लिए बहुत अच्छा है, किसी के आगे सर्व करने के लिए भी डाइनिंग टेबल पे रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी मेरे को 100 रुपीज ओनली एंड ओनली 100 रुपीज पड़ा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये लाई हूं मैं एक हांडी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छा इस तरीके से है, ऑरेंज कलर में, बहुत अच्छा सा कलर था, और इस तरीके से इसका लिड भी है, इसमें आप कोई भी चीज रख सकते हैं, आप दही रख सकते हैं या कोई भी आप इसमें राजमा बनाते हैं कुछ भी इस तरीके से एनीथिंग आप इसमें डाल सकते हैं, और अपने मेहमानों के आगे इसको सर्व कीजिए, बहुत अच्छा सा यूनिक सा लग रहा है, बहुत अच्छे से लग रहा था मुझे। और ये भी मुझे पड़ा ओनली एंड ओनली 120 आई थिंक 120 रुपीज या 150 के अराउंड था ये वाला, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, 120 या 150 के अराउंड था, बहुत अच्छा सा था मुझे। इसके काफी सारे मतलब सेट था, इसका भी तीन का भी सेट था इसमें, बड़ा छोटा छोटा, लेकिन मुझे इस तरीके से एक बड़ा ही पसंद आया तो मैंने एक ये ले लिया, काफी सुंदर सा लग रहा था। और इसका मेरे को मतलब थोड़ा सा मैं डाउट है 120 या 150 के अराउंड में था, लेकिन आप वहां जाएंगे तो एक बार ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि आपको कम भी मिल जाए, या हो सकता है मैं एक्सपेंसिव भी लेकर आई हूँ, या हो सकता है मैं बहुत सस्ता भी लाई हूँ, अब एक बार जाइए जरूर देखिएगा जरूर। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ इस तरीके के बाउल, ये देखिए तीन का सेट है, एक किसी से, ये देखिए काफी अच्छा है, कुछ भी आप स्टार्टर या कुछ भी आप सर्व करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रीजनेबल है, बहुत सुंदर भी लग रहा था मुझे इस तरीके से, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज एंड व्हाइट तीन का सेट है ये, और ये मुझे पड़ा है ओनली एंड ओनली 100 रुपीज, 100 रुपीज में ओनली, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, थ्री का सेट है, काफी अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने सारी क्रॉकरी इस तरीके से नहीं है कि मेरे को सेट बनाना है तो सारा एक जैसा बनाऊं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ मतलब ये जो है ज्यादातर मैंने व्हाइट ही लिया है, क्योंकि जो मुझे वीडियो शूट करने के लिए चाहिए होती है वो व्हाइट ही चाहिए होती है, क्योंकि मुझे इंग्रेडिएंट्स दिखाने होते हैं, बाकी के मैं कभी भी ये नहीं देखती कि यार मुझे पूरा का पूरा सेट डिनर सेट बनाना है तो मैं एक जैसा बनाऊं, नहीं, इसमें जो पसंद आता है मैं उस तरीके से लेती हूँ, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कलर लोगे थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो मैंने इस तरीके से मुझे ऑरेंज में पसंद आ रहे थे तो मैंने ये ले लिए हैं, बहुत सुंदर लग रहा था ये भी।
नेक्स्ट लाई हूं मैं इस तरीके से, ये देखिए कप बहुत सुंदर है, काफी हैवी है, काफी बड़े हैं। देखिए इसका साइज देखिए काफी बड़ा है, ये कप नहीं मतलब आप सर्विंग बॉल कह सकते हैं, सूप के लिए कह सकते हैं, बहुत अच्छा। इस तरीके के मैं दो लाई हूँ, एक अभी हमारा यूज हो चुका है, तो इसमें कई बार बच्चों के लिए, कई बच्चों ने अपने लिए कप पिज्जा बनाना होता है कुछ भी, इस तरीके से बहुत अच्छी चीज है। या फिर बच्चों ने टोमेटो सूप पीना है, कोई सूप वगैरह पीना है, उसके लिए बहुत अच्छा है, हैंडल के लिए भी अच्छा है, हैंडल है बच्चों को पकड़ने के लिए भी। तो इस तरीके से मैं ये लेकर आई हूँ, और ये लेकर आई हूँ 50 रुपीज ईच, मतलब दो लेकर आई हूँ 100 रुपीज के, बहुत अच्छे प्राइस पे मुझे ये भी मिला है। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ इस तरीके से, ये देखिए ये लिड है, वुडन की लिड है, और इस तरीके से देखिए कितना अच्छा है इसमें, मतलब आप कोई भी चटनी बना के कुछ भी आप इसको में फ्रिज में इसको रख सकते हैं, अचार चटनी के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं तो इस तरीके से एक पहले लेकर आई थी, एक आज फिर लेकर आई हूँ। एक पे मैंने चटनी वगैरह बना के रख दी थी, इसमें कई बार होता है दही आपने जमाई है उसको निकाल के आप इसमें रख सकते हैं, बहुत अच्छे से वुडन स्टिक है, बहुत अच्छा सा लग रहा था, वुडन लिड है और हैंडी भी है, पकड़ने में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सा लुक भी बहुत अच्छी है, व्हाइट कलर में है, और ये भी मुझे ओनली 150 रुपीज बताया था उन्होंने, मैंने उनको 80 रुपीज आई थिंक दिए थे, 80 या 70 रुपीज के समथिंग मैंने इसके दिए थे, इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, मतलब आप लगा के चलिए कि 80 के समथिंग ही था, इससे कम मतलब ज्यादा नहीं था, 80 तक के रेंज में था ये, काफी अच्छा सा था, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो, बहुत पसंद आया। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूं इस तरीके का, ये देखिए टी सेट, बहुत पसंद आया ये टी सेट, एक साथ नहीं लिया मैंने, मैंने लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब मैंने इस तरीके की ट्रे ली थी ओनली स्टार्टर के लिए, मैं इस तरीके की ये दिखाती हूँ आपको, मैंने ये ट्रे ली थी ओनली, ये ट्रे ली थी मैंने खाली 100 रुपीज की ट्रे ली थी मैंने, तो आज मैंने जाके इसमें मैंने एक तरीके से इस तरीके से कैटल ले ली, आपके पास पूरा सेट बना हुआ भी मिल जाएगा वहां पे, 250 रुपीज का वो सेट से स्टार्टिंग है, 250 वाला भी है, 350 वाला भी, जैसे भी आप लेना चाहे, तो इस तरीके से मैंने सेट खुद ही बना लिया, ये देखिए इस तरीके से मैंने कैटल ले ली उनसे, अलग से कैटल ले ली, 50 रुपीज की कैटल ली है मैंने, ओनली 50 रुपीज की कैटल, यार बहुत अच्छी लग रही थी, और कपल सेट काफी अच्छा लग रहा था मुझे, ऐसे कई बार होता है कि अब जैसे विंटर का टाइम है कई बार कि हमने बाहर बैठ के चाय पीनी है, धूप में तब पी सकते हैं आप, गर्मी में बाहर बैठ के चाय पी सकते हैं बालकनी में, बहुत अच्छा सा लग रहा था ये मॉर्निंग की चाय, इस तरीके से आप इसमें डाल के लेकर आए बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से मैंने इसके साथ दो इस तरीके से मैंने कप्स, छोटे कप ले लिए, मीडियम साइज के हैं ठीक है इनफ है, मतलब मेरे पास बड़े भी हो ही गए थे तो छोटे भी मेरे को थोड़ा सा मीडियम साइज के भी चाहिए, तो ये मुझे 30 रुपीज ईच मुझे कप दिया उन्होंने, मतलब 60 रुपीज के दो कप आए हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं, और इस तरीके से मैंने इसको पूरा सेट बना लिया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये सेट, आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए अगर एक भी, आप उसको इस तरीके से इसमें चाय सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए काफी सुंदर, और इस तरीके से आजकल तो वैसे भी ये डेकोरेट करने में बहुत अच्छे से काम आती है कैटल, और बहुत पुराने जमाने में चलती थी इस तरीके से हमारे मम्मी वगैरह के टाइम पर, लेकिन आज भी फिर उससे टाइम दोबारा अगेन वही आ गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा सा लग रही थी कैटल, बहुत अच्छी सी, तो मैंने कहा एक ले लेते हैं, शौक पूरा कर लेते हैं, तो इस तरीके से एक मैंने ये सेट लिया है, थोड़ा सा सांस भी लूंगी। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको इस तरीके से मैं एक वुडन की ट्रे लाई हूँ, काफी सुंदर लग रही थी ये भी, आप इसको डेकोरेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर सी लग रही थी, इस तरीके से देखिए मेड इन इंडिया, काफी अच्छी सी लग रही थी, और ये मुझे उन्होंने बताई थी 150 की, और आई थिंक मुझे 70 रुपीज की लाई हूं मैं, हाँ ओनली 70 रुपीज का, काफी सामान लिया था तब मेरे को उन्होंने 70 रुपीज लगाई थी, काफी अच्छी सी लग रही थी, डेकोरेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप प्लेटर की तरह यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी लग रही थी 70 रुपीज के, यार क्या है क्या आता है 70 रुपीज में, बहुत अच्छी लगी मुझे ये भी 70 रुपीज में। नेक्स्ट मेरे पास कई बार बोलते हैं कि आपके जो प्लेटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, यार मेरे कोई कॉस्टली नहीं होते, बहुत रिजनेबल प्राइस के लाती हूँ, इस तरीके से मैंने अभी एक स्टार्टर बनाया था मफिन से, तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि स्टार्ट ये आप कहाँ से लिया आपने, यार ये नॉर्मली है मेरी, ये देखिए कुछ ज्यादा मैंने एक्सपेंसिव नहीं ले रखी है, ओनली एंड ओनली 50 रुपीज की लाई थी मैं, यार ये कितनी सुंदर लग रही है व्हाइट कलर की, इस तरीके से आप कोई भी स्नैक्स रख सकते हैं, अप्पे बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं, इस तरीके से आप इसमें सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी लग रही थी मुझे ये भी, मैंने अगेन व्हाइट कलर की ही ली है और 50 रुपीज ओनली, बहुत अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ इस तरीके की एक प्लेट है, ये मैं पहले ही लेकर आ चुकी थी, अब मतलब दिखा आपको एक साथ ही रही हूं मैं, कि मैंने सोचा था पहले एक बार सारी इकट्ठी कर लूं उसके बाद आपको दिखाऊंगी, तो इस तरीके से एक ब्लैक कलर की मैं अगेन एक प्लेटर लेकर आई हूँ, ट्रे अच्छी है मेरी, काफी अच्छी लग रही थी, सर्विंग ट्रे है, और ये भी मैं ओनली एंड ओनली 50 रुपीज की लाई हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, काफी अच्छी सी लग रही थी, ये भी मेरी ओनली एंड ओनली 50 रुपीज। नेक्स्ट है ये काफी भारी है, ये देखिए इस तरीके का फ्लैट में, एकदम बिल्कुल फ्लैट में दिखाती हूँ आपको नियर आके, देखिए ब्लैक कलर का इस तरीके से ट्रे है, एक बिल्कुल फ्लैट में
बहुत सुंदर लग रही थी। इसी की जगह भी आप कबाब बनाते हैं, चाप बनाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिली है। ये भी मुझे ओनली एंड ओनली 100 रुपीज मिली है, और यही अगर मैं मार्केट से या मॉल से ले जाती तो मुझे कम से कम नहीं तो ये 600 से कम नहीं मिलती, और ये ओनली एंड ओनली मुझे 100 रुपीज में यार मिल गई। मतलब मैंने कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया, आप देखेंगे कि यार मैंने क्रोकरी कोई एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं ले रखी, लेकिन ये है कि मेरे पास एक तो वैरायटी बहुत सारी हो जाती है, जहां पर मुझे एक लेनी है मॉल से मैं एक लाऊंगी, यहां पर मैं 10 भी ले आऊंगी तो भी लगेगा यार कि 10 वैरायटी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होगी, और प्राइस वही सब सेरेमनिक है यार, वही मार्केट में मिलती है, वही सब कुछ है, लेकिन वहां बस ये है कि वो रोड पे लेके बैठे हुए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा उनका प्राइस का है थोड़ा सा, लेकिन चीज बहुत अच्छी है। मॉल वाले फिर अपना खर्चा भी सारा निकालते हैं। अगेन सबसे फेवरेट मैं लेकर आई हूँ इस तरीके के बाउल, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए जार टाइप में है, काफी अच्छे लग रहे हैं, आप इसमें शुगर टी दोनों रख सकते हैं। देखिए मैं इस तरीके के दो लेकर आई हूँ, बहुत प्यारे लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आए इस तरीके से, आप इस तरीके से प्लेट पे भी इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी किसी के आगे सर्व कर सकते हैं। ये भी मैंने बहुत अच्छा सा लगा मुझे, ये मैंने अभी बना के देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ये इस तरीके से मैंने ट्रे पे रख के देखा, काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके से। देखिए अभी जैसे फेस्टिवल आ गए हैं तो गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो इस टाइम पे आप यहाँ पे इसमें अपना ड्राई फ्रूट भर के रख दीजिए गेस्ट के सामने, बहुत अच्छे से लगेगा, रिजनेबल प्राइस पे मिला है मुझे ये भी बहुत ही। आप बताइएगा इस कितने तक का पड़ा होगा मुझे, ओनली एंड ओनली 100 रुपीज यार मिलेगा, 100 रुपीज में कुछ, ये देखिए 100 रुपीज ईच, मतलब 200 रुपीज के मैं दो लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर से लग रहे थे मुझे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बाउल, मिक्सिंग बाउल लेकर आई हूँ, मुझे कई बार कई चीजें मिक्सिंग के लिए चाहिए होती है, बाउल बड़े बड़े चाहिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इस टाइप में मैं बाउल लेकर आई हूँ, काफी अच्छा लग रहा था। ये देखिए डिजाइन देखिए बहुत सुंदर लग रहा था, साइज भी काफी बड़ा है, आप सूप वगैरह के लिए कभी चाउमीन के लिए किसी तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली 30 रुपीज का यार, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है 30 रुपीज में, कितना अच्छा सा लग रहा है ये देखिए। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ ये सारी, मैं पहले बार बार कहूंगी कि यार अपनी जो चीजें हैं वो वहां पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे टूट फूट ये सबका थोड़ा सा रहता है, आप इस चीज को सब चीजों को चेक करके लीजिएगा, एक एक पीस को आप चेक करके लीजिएगा। इससे एक मैं एक बाउल लाई हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काफी बड़ा, इससे बड़ा है, काफी अच्छा है, ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है इसका, पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, कलर भी बहुत पसंद आया था मुझे, और ये ओनली एंड ओनली 50 रुपीज का पड़ा है मुझे बाउल, ये देखिएगा इस कितना सुंदर लग रहा है 50 रुपीज में, यार क्या होता है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसी से, ये देखिए एक और मैं अगेन सर्विंग प्लेट लाई हूँ, बहुत सुंदर कलर लग रहा है, देखिए है ना कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन सा कलर, बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, पैरेट ग्रीन टाइप में, पैरेट ग्रीन भी नहीं कहोगे, पिकॉक कलर कहोगे ना, वो आ रहा है, ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आ रहा है, काफी मुझे इसमें इतना वो दिख रहा है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, बहुत अच्छी, और ये भी मुझे पड़ी है 100 रुपीज, ओनली एंड ओनली 100 रुपीज गाइस, बहुत अच्छे प्राइस में मिली है मुझे। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखिए इस तरीके से लीफ वाली एक प्लेट, ये देखिए अच्छी लग रही है ना, पूजा के टाइम पे आपको ये वाला होता है कि लीफ की चीज बहुत अच्छी लगती है, मैंने अभी गणेश चतुर्थी पे भी इसको ये वाली जो प्लेट है इसको यूज किया था, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। इस साइज में मुझे बड़ी भी चाहिए थी लेकिन मुझे मिली नहीं, आज भी मैंने ट्राई करा मुझे मिली नहीं, इस तरीके से एक बड़ी भी चाहिए। कई बार होता है कि हमें कई फेस्टिवल्स वगैरह पे इस तरीके से हमें पूरा बनाना होता है, मैं इस तरीके से केले का पता नहीं होता, उस टाइप में एक ट्रे नहीं आती, मैं उस टाइप में ढूंढ रही थी लेकिन मुझे वो वहां पे मिली नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी तो लूंगी, और ये मुझे ओनली एंड ओनली 30 रुपीज की पड़ेगा। इसलिए देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना ट्रे, काफी सुंदर लग रही है ट्रे, मुझे बहुत पसंद आई थी छोटी सी इस टाइप में, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही। नेक्स्ट एंड लास्ट मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, एक और रह गया इससे की मैं बड़ा सी एक किसी में प्लेट लेकर आई हूँ, काफी बड़ी कि मुझे सर्विंग के लिए चाहिए होती है, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट, तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, काफी बड़ा साइज है, काफी बड़ी बिग है, देखिए 100 रुपीज की लाई हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी में मिली है मुझे, ओनली और ओनली 100 रुपीज। लास्ट सबसे लास्ट मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत भारी भी है, ये देखिए गाइस, बहुत भारी है, चॉपिंग बोर्ड, ये देखिए हाफ मेरा मार्बल पे है, हाफ वुडन पे है, वुडन का डिजाइन देखिए कितना प्यारा है, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसी के जिस पे डिजाइन हुआ हुआ है, ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है मुझे। ये बस थोड़ा सा इन्होंने मुझे बताया तो ये 800 का था, तो मैंने उनको मतलब प्राइस अपना बताया, लेकिन ये हल्का सा, ये चीज देख के चलिएगा, ये हल्का सा ब्रेक हो रखा है, ये देखिए हल्का सा ब्रेक हो रखा है, ये जरा सा
तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ इसको 250 में ही लिया था मैंने इसको 250 रुपीज में। देखिए कितना अच्छा सा मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, कितना बड़ा है, काफी बड़े साइज में है। तो गाइज ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग मैंने करी है, आप एक बार जरूर जाइएगा पंजारा मार्केट, गुड़गावा में है जो सेक्टर 54 के पास में है, उसके मेट्रो स्टेशन के पास में, बहुत अच्छे है मार्केट। लेकिन मैं कहूंगी कि आप इसे जाएं तो मॉर्निंग के टाइम पे जाइए, क्योंकि वहां पर इतना लाइट का या कुछ इस तरह का इशू वहां पर है थोड़ा सा, क्योंकि बंजारा मार्केट है वो रोड पे बैठे हुए हैं तो वहां पे लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है, तो लाइट नहीं होती। इवनिंग तक मत जाइएगा, मॉर्निंग में जाइए। और मैं बार बार कहूंगी कि आप जो भी प्रोडक्ट लें उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, पूरा अच्छे से देख के, पूरा कलर सब कुछ देख के, क्योंकि कई बार होता है डैमेज ना हो, कोई पीस का क्रैक ना हो, वो सब देख के लीजिएगा। बहुत अच्छे प्राइस में मिलता है वहां पे। आप चाहे तो अपने घर की कोई भी चीज, चाहे कोई फर्नीचर, चाहे आप कोई क्रोकरी, चाहे वहां पे प्लांटर्स, मतलब इतने प्यारे प्यारे हमारे वहां पे थे, इतने प्यारे प्यारे सारे में कि बहुत मन कर रहा था। लेकिन बस ये था कि मेरे पास अभी मैंने क्योंकि लिया रिसेंटली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ मैं डेकोरेशन के लिए, आप कुछ लैंप लेना चाहते हैं या कुछ भी टी लाइट्स वगैरह लेना चाहते हैं, वहां बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ, एंड इतना कुछ मिलता है कि आप खुद हो जाएंगे कि यार मैं क्या लूं क्या छोड़ूं, मतलब इतना कुछ मिलता है। एक बार वहां पे जाके जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आपको भी मेरी तरह इस तरीके से क्रोकरी का बहुत ही शौक है और आप चाहते हैं कि रिजनेबल प्राइस में आपकी क्रोकरी आ जाए और आपकी अलमीरा अच्छे से क्रोकरी अलमीरा भर जाए, तो एक बार आप वहां जाके जरूर विजिट कीजिएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिलेगी तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आपको लगता है कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं भी देखूंगी जितने वोट ज्यादा आएंगे तो मैं उस तरीके से आगे ब्लॉगिंग बनाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स लाऊंगी। मार्केट जब भी जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कहां गई, कैसी मार्केट गई, क्या क्या लेकर आई, किस रिजनेबल प्राइस पे, क्योंकि मुझे काफी सारी मैंने एक्सप्लोर करी है, काफी अच्छी अच्छी मार्केट्स जहाँ पे अच्छे रिजनेबल प्राइस पे सामान मिलता है। तो गाइस फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।